इको सिस्टम सीरीज के इस सातवें पार्ट में हम इको सिस्टम सर्विसेज के बारे में जानेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ इको सिस्टम प्रोसेसेस आर टर्म्ड एज इको सिस्टम सर्विसेज। हेल्दी इको सिस्टम्स आर बेस ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड एस्थेटिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इको सिस्टम के बहुत सारे सर्विसेज हैं जिनके अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे एयर को प्योरीफाई करना, ड्रॉट को मिटिगेट करना, फ्लड को चेक करना, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करना, सॉयल को जनरेट करना, वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, क्रॉप्स का पोलिनेशन करना, कार्बन के लिए एक स्टोरेज साइट प्रोवाइड करना तथा एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू प्रोवाइड करना, ये सारे कार्य इकोसिस्टम करते हैं। यदि हम इकोसिस्टम के हर एक सर्विसेज के लिए उनके प्राइस की बात करें, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इच इकोसिस्टम सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस। रॉबर्ट कोस्टेंजा एंड उसके फ्रेंड्स ने नेचर के लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज के लिए प्राइस टैग लगाना शुरू किया और पाया कि प्रत्येक साल इकोसिस्टम के फंडामेंटल सर्विसेज के लिए करीब करीब 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, जो टोटल ग्लोबल जीएनपी का लगभग दुगना होगा। इस 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर का 50% प्राइस टैग सॉइल फॉर्मेशन में यूज होता है, 10% प्राइस टैग रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए खर्च होता है तथा क्लाइमेट रेगुलेशन एंड वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के लिए दोनों के लिए 6% खर्च होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। इसके साथ ही इकोसिस्टम सीरीज के दूसरे वीडियोज के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें, जिसमें कि सारे वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।